Good morning, friends. Today I will give you a short note on a physics formula. जैसा कि हम आज हम क्या करेंगे कि कुछ जो टॉपिक हैं क्लास 12th के चैप्टर के फिजिक्स से उसके फार्मूले की नोट्स बनाए हैं, उसको हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया, वो सब आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो वो सब ये सब हैं, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी ए, उसको उसमें कर लो तो बी ए कॉस थीटा हो गया। क्या होता है, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर की असाइनमेंट होती है, और इस सरफेस में ये होता है हमारा इंटीग्रेशन पार्ट में होता है, तो ये फॉर्मूला ये होता है। फराडे सेकंड लॉ क्या करता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, डी मैग्नेटिक फ्लक्स बाय डीटी होता है, ये ऐसे निकल रहा है। ऐसे ही इंड्यूस चार्ज का फार्मूला ये है, लेंज लॉ का फार्मूला क्या होता है, लेंज लॉ ने क्या कहा था, इंड्यूस करंट अपोज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ क्या होता है, तो क्या जो हमारी जो करंट इंड्यूस होती क्या करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या करती है, अपोज करती है, जस्ट अपोजिट होता है। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, मोशनल ईएमएफ बहुत सिंपल फार्मूला जो जनरेट किया गया है। और सर्कल के केस में हम कौन सा फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, सर्कल का एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चन इसके लिए होते हैं, काफ़ी कम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, तो जनरल फार्मूला हम उसको ऐसे ही करते हैं, ईएमएफ का निकालने का इस टाइप के होते हैं, जिसमें थीटा क्या होता है हमारा, डिस्टेंस क्या होता है, कुछ इस प्रकार से यूज़ करते हैं। और मोशनल ईएमएफ में रोड में क्या होता है।